आज के वीडियो में हम डिग्री और डिप्लोमा और फार्मेसी बीफार्म डीफार्म सबकी पेपर स्टाइल कैसी होगी वो देखेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि डिप्लोमा में डिग्री में दोनों जगह आपको पेपर स्टाइल 3 और 2 पेपर स्टाइल रखिए, जो आपको कंफ्यूज करेगी कि कौन सा पेपर कौन से स्टूडेंट को लिखना है, कौन से पेपर स्टाइल उनको आने वाली है। तो आज हम ये वीडियो में आप ये पेपर स्टाइल के बारे में देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो सबको शेयर कीजिए। तो आज हम पहले देखते हैं डिग्री की पेपर स्टाइल। जो भी स्टूडेंट है उसको 3 आवर का पेपर होता है, यानी कि जो अपने ड्राइंग का पेपर होता है, और ऐसा जो पेपर हो जो 3 घंटे का होता है 3 आवर है, उनको पेपर 47 मार्क्स का रहेगा, जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। ध्यान से सुनिए, अगर आपका पेपर 3 आवर्स का है, पिछले सिलेबस में आपका पेपर 3 आवर का था, तो ये सिलेबस में आपका पेपर 2 आवर का हो जाएगा, लेकिन ये पेपर होगा टोटल 47 मार्क्स। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 47 मार्क्स। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, तो यहाँ पे सबसे पहला दिखना है आपको अटेम्प्ट एनी 3 इन फर्स्ट 2 6 क्वेश्चन। आपको पहले जो 6 क्वेश्चन है वहाँ से 3 क्वेश्चन ही लिखना है, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो कंपलसरी है आपको। तो हम देखते हैं कि कैसा होता है। क्वेश्चन 1 में ए बी और सी 3 क्वेश्चन दिए, 1 क्वेश्चन ए जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क का होगा, बी क्वेश्चन जो है 4 मार्क, और सी क्वेश्चन 7 मार्क्स। ऐसे ही सेम क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, ये 6 में से आप कोई भी 3 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। यानी कि आपने अगर क्वेश्चन 1 को सिलेक्ट किया तो उसके 3 लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन 1 का ए और क्वेश्चन 2 का बी लिखे, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन 1 लिखना है तो उसके 3, अगर आपको क्वेश्चन 4 लिखना है तो उसके 3, और अगर आपको क्वेश्चन 6 लिखना है तो उसके 3। 3 क्वेश्चन हो गए। अभी जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपको 2 क्वेश्चन हो गए, ए और ए, ये दोनों में से आपको कंपलसरी एक ही लिखना है, और वो रहेगा आपका 5 मार्क्स का। टोटल मार्क्स हो गए आपके 47। लेकिन ये कब होगा, जहाँ पे आपका पेपर 3 आवर का रहता था वहाँ पे। अगर आपका पेपर 70 मार्क्स का था और 2.5 आवर का रहता था, तो उसके लिए आपको डिस्प्ले पे पेपर स्टाइल दिख रही है, वो पेपर होगा आपका 56 मार्क्स का। डिग्री के लिए ये है, अगर वो आपका पेपर रहेगा 56 मार्क का, ये पेपर स्टाइल जो अभी मैं दिखा रहा हूँ वो डिग्री के लिए। सेम इसमें भी लिखा है कि आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन लिखना है, राइट है। तो क्वेश्चन 8 क्वेश्चन दिए तो डिस्प्ले पे दिख रहे, क्वेश्चन 1 वो दिया है आपको 3, 4 और 7, क्वेश्चन ए जो है 3, बी है जो 4 और सी, ऐसे टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिए, राइट। ये 8 क्वेश्चन में से आप कोई भी सिलेक्टेड क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3, आपको जो भी क्वेश्चन अच्छा लगता है वो क्वेश्चन आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें से आप 4 क्वेश्चन को लिखना है आउट ऑफ 8, जो आप 2 आवर्स में इजीली लिख सकते हो। अगर आपका पेपर स्टाइल ओल्ड है, अगर आप पुराने सिलेबस में हो, तो आपका जो 70 मार्क्स का पेपर स्टाइल था और जो 3 घंटे का पेपर था, उसमें पेपर स्टाइल ऐसी रहेगी, आपको हर एक क्वेश्चन 7-7 मार्क्स के रहेंगे, और ऐसे टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन। वो 6 क्वेश्चन में से आपको आउट ऑफ 6 में से 3 लिखना है, और जो क्वेश्चन 7 है वो कंपलसरी है, वो आपका क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क का, और 5 ऑप्शन ये ऑप्शन है, दोनों में से 1 लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो ओल्ड है, ओल्ड पेपर ओल्ड सिलेबस था, उसके उसका जो पेपर स्टाइल हम देखें, तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख पाओगे आप कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपका पेपर स्टाइल ओल्ड था लेकिन वो पेपर आपका 2.5 घंटे का था, तो आपका पेपर रहेगा 56 मार्क्स का, और उसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए, हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। क्वेश्चन 1 में 7-7, क्वेश्चन 2 में 7-7, क्वेश्चन 3 में ए बी 7-7, सभी 7-7 मार्क्स के, उसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन लिखना है। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो और आपका पेपर प्रीवियसली 3 आवर का था, राइट है, तो आपको क्या करना है, तो आपको डिप्लोमा के स्टूडेंट में जो 3 आवर्स का पेपर था उसका पेपर रहेगा 47 मार्क्स का न्यूज पेपर स्टाइल के अंदर, और वो रहेगा 2 आवर का पेपर, आप यहाँ पे डिस्प्ले पे देख सकते हो। अभी इसमें क्या है, तो आपको क्वेश्चन 1-4 दिया है,
तो क्वेश्चन वन में क्या दिया है, आपको 10 क्वेश्चन देंगे, 10 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 7 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन टू में क्या है, तो क्वेश्चन टू में ए का ऑप्शन ए 3 मार्क का रहेगा, 2 बी का ऑप्शन बी और उस वो भी आपका रहेगा 4 मार्क्स, और सी का ऑप्शन वो भी जो क्वेश्चन बी है, बी के ऑप्शन में बी है वो रहेगा आपके 3 मार्क्स का, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर क्वेश्चन सी है तो सी के ऑप्शन में सी है वो रहेगा आपका 4 मार्क्स। तो यानी क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू दोनों आपके हो गए। अब क्वेश्चन थ्री में भी सेम रहेगा क्वेश्चन टू की तरह पैटर्न, क्वेश्चन फोर में भी रहेगा सेम क्वेश्चन टू की तरह पैटर्न। अभी आपको क्वेश्चन फाइव में यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख रहा है, क्वेश्चन फाइव में आपका ए होगा, ए के ऑप्शन में ए वो रहेगा आपका 5 मार्क का, और बी के ऑप्शन आपका ए के ऑप्शन में ए। आपको जो क्वेश्चन वन टू फोर है उसमें से आप कोई भी, जो क्वेश्चन वन टू फोर है इसमें से आप कोई भी 3 लिख सकते हो, और क्वेश्चन फाइव आपका कैसा है कंपलसरी है। अगर आपका प्रीवियस सेम में पेपर 2.5 घंटे का था और 70 मार्क्स का था, यानी कि अभी जो रेगुलर में 6 सेमेस्टर में स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, जिनको जिनको अभी रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं, उनका पेपर रहेगा 56 मार्क्स का, और उनकी पेपर स्टार्ट रहेगी, आपको टोटल 5 क्वेश्चन दे चुके हैं और उसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। अभी वो कैसे है, तो क्वेश्चन वन है उसमें आपको 10 क्वेश्चन हो गए, वो 10 में से आप कोई भी 7 लिखने हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स तो आपके हो गए 14 मार्क्स। ऐसे ही क्वेश्चन टू है, तो क्वेश्चन टू में क्या होगा, क्वेश्चन टू ए ऑप्शन ए 3 मार्क्स, क्वेश्चन बी टू बी ऑप्शन बी 3 मार्क्स, और क्वेश्चन सी ऑप्शन सी कितने रहे हो गए 4 मार्क्स। ऐसे ही क्वेश्चन फोर डी ऑप्शन डी वो भी हो गया 4 मार्क्स। ऐसे ही क्वेश्चन थ्री और ऐसे ही आपका क्वेश्चन फोर रहेगा। आप क्वेश्चन फोर में देख सकते हो ए ऑप्शन ए 3 मार्क्स, बी ऑप्शन बी 3 मार्क्स, और सी आपका यहाँ पे क्वेश्चन फोर में यहाँ पे जो है वो 7 मार्क का रहेगा, वो कंपलसरी रहेगा, इसके ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, राइट। और क्वेश्चन फाइव है, क्वेश्चन फाइव में और नो ऑप्शन ए बी सी डी चारों चार कंपलसरी है, 4 4 3 3 मार्क्स के। तो अभी आपको टोटल 5 क्वेश्चन हो गए, ये 5ों क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कोई भी 4 क्वेश्चन को यानी कि क्वेश्चन टू लिखना है तो उसके चारों चार, क्वेश्चन थ्री लिखना है तो उसके चारों चार, और क्वेश्चन वन लिखना है और क्वेश्चन फोर आपको नहीं आता है तो आप क्वेश्चन फाइव लिख दो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप कोई भी 4 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, एक क्वेश्चन आंसर आपका ऑप्शनल हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपका ओल्ड सिलेबस है डिप्लोमा में और आप 70 मार्क्स की एग्जाम 2.5 घंटे की होती थी तो वो हो जाएगा 2 आवर्स का, और वो पेपर शैल आप देख सकते हो। क्वेश्चन ए बी 77 मार्क्स, यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे, सभी क्वेश्चन 77 मार्क्स के रहेंगे और इसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, राइट। अभी हम चले जाते हैं बी फार्म के लिए, तो आप यहाँ पे बी देख सकते हो, बी फार्म एम फार्म डी फार्म आप यहाँ पे देख सकते हो, फार्मेसी बी फार्म एम फार्म और डी फार्म जो सेमिस्टर है वो सेमिस्टर के लिए आपके क्वेश्चन 1 to 6 होगा, और 1 to 6 में से आपको any 3 क्वेश्चन के आंसर देने, यानी कि हर एक क्वेश्चन में क्या होगा ए बी सी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका पुरानी मेथड थी ऐसा ही है, 6 मार्क्स 5 और 5, ऐसे ही 6 5 और 5, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा 8 8 क्वेश्चन में से आपको कोई भी, पहले जो आपको क्वेश्चन 1 to 6 है 1 to 6 उसमें से आपको कोई भी 3 लिखने हैं, और जो क्वेश्चन 7 है वो आपका कंपलसरी है, उसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, वो 2 में से आप कोई भी एक लिख सकते हो, आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, राइट है। यहाँ पे आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए, राइट है, ये 3 में से आप कोई भी एक क्वेश्चन लिख सकते हो, यानी क्वेश्चन 7 में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, 3 में से एक ही लिखना है, और क्वेश्चन 1 to 6 है वो 1 to 6 में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन लिखने हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको पेपर में कैसे एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है उसके वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।